हेलो माय डियर चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो कि मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 6 जो कि है डिवीजन, उसको समझ रहे थे। इस चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज की हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन के सम्स को। तो चलिए करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं डिवीजन में जो टर्म्स यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं। डिवीजन में हम चार टर्म्स को यूज करते हैं, डिवाइजर, क्वोशेंट, डिविडेंड और रिमाइंडर। फिर से बोलिए, डिवाइजर, क्वोशेंट, डिविडेंड और रिमाइंडर। ये चारों टर्म्स जो होते हैं वो डिवीजन में यूज होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से नंबर को क्या नाम दिया गया है। इसके लिए पहले हम एक सम को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट सम जो हमारा है वो है कि हमें क्या करना है, हमको 28 को 2 से डिवाइड करना है। अगर इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा सम होगा ये कि 28 को 2 से डिवाइड कर हमें क्या मिलेगा। हमें क्या करना है, 28 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, और आंसर क्या आएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इस सम में जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। जिस से डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर, और जिस को डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो नंबर है जिसकी हमें टेबल पढ़नी है या जिससे हमको डिवाइड देना है, और जो अंदर वाला नंबर है ये है 28 और डिवाइजर हमारा है 2। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको ये देखना है कि जो डिवाइजर है और जो डिविडेंड है, डिविडेंड का जो पहला नंबर है क्या वो डिवाइजर के बराबर है या उससे छोटा है। मेरी बात को सुनिए, डिविडेंड का जो पहला नंबर है वो डिवाइजर से बड़ा है या उसके बराबर है। तो अगर बड़ा या बराबर है तब तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे वो हम आगे के सम्स में देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो अभी हमारे बराबर ही है ना। तो हम इसको करते हैं, 2 की टेबल पढ़ेंगे। कब तक, जब तक हमको 2 नहीं मिल जाता, क्योंकि डिविडेंड में हमारे पास पहला नंबर क्या है, 2 है। तो 2 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए, 2 1 2। तो यहाँ पे हम पीछे की साइड हम 1 लिखेंगे और इस 2 के नीचे हम 2 लिख देंगे, और एक लाइन खींचकर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस का साइन। समझ में आई बात, 2 की टेबल पढ़ी, 1 टाइम्स 2 आया तो 1 यहाँ पर लिखा और 2 लिखा 2 के नीचे, और लाइन खींची और माइनस का साइन लगा दिया। अब करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमको 8 को उतार लेना है एज इट इज़। 8 को हम एज इट इज़ उतार लेते हैं ऐसे। अब हमें क्या करना है, 2 की टेबल पढ़नी है जब तक आंसर में हमको 8 नहीं मिल जाता। क्या नहीं होता, आंसर में हमको 8 नहीं मिल जाता तब तक हमको 2 की टेबल पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 आ गया। तो मतलब 4 टाइम्स आया, तो 4 यहाँ पर लिखा और 8 हमने लिखा यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन का साइन और लाइन खींच दी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, 28 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 14 आएगा। और अगर आपको 14 की टेबल आती है तो क्रॉस चेक करने के लिए, 14 टू ज़ा कितने होते हैं, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन, 14 टू ज़ा कितने होते हैं, 28, विच मीन्स कि ये हमारा सम सही है। अब देखते हैं कि बाकी के जो टर्म्स बचे थे, क्वेश्चन और रिमाइंडर, इनको कहाँ क्या बोलते हैं। ये जो आंसर हमारा आया है इसको बोलते हैं क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। और नीचे अगर कोई नंबर बचता, अभी तो 0 है, लेकिन अगर कोई नंबर बचता तो उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। जिस से डिवाइड किया वो डिवाइजर, जिस को डिवाइड किया वो डिविडेंड, जो आंसर आया वो क्वोशेंट, और कुछ नीचे बचता है तो वो रिमाइंडर। अंडरस्टूड। चलिए सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम में हमको करना है 3 से डिवाइड। कौन सी टेबल पढ़नी है, 3 की टेबल पढ़नी है, और डिवाइड करना है हमको 36 को। किसको डिवाइड करना है, 36 को। तो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो नंबर का डिविडेंड का जो पहला नंबर है वो हमारे डिवाइज़र से बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो ये हमारा बराबर है, इसका मतलब हम 3 की टेबल सिंगल डिजिट नंबर में पढ़ सकते हैं। तो 3 1 3, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 और यहाँ पर लिखा 3 और लगा दिया साइन सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस का। अब 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0, करेक्ट। अब जो ये 6 रह गया इसको हम ऐसे ही यहाँ पर उतार लेंगे 6। अब हम 3 की टेबल फिर से पढ़ेंगे जब तक आंसर में हमको 6 नहीं मिल जाता। तो पढ़िए 3 1 3 और 3 2 6, तो विच मीन्स कि 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 6। यहाँ पर लाइन खींची और माइनस का साइन लगा दिया। अब 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 0, विच मीन्स 3 इज द डिवाइजर, 36 इज द डिविडेंड, 12 इज द क्वोशेंट और रिमाइंडर कुछ है नहीं हमारे पास। ओके, कुछ सम्स को और देखते हैं। 4 से डिवाइड करना है हमको 48 को, समझ में आई बात। 4 से हमको डिवाइड करना है किसको, 48 को। तो टेबल कौन सी पढ़नी है बताइए, टेबल पढ़नी है हमको 4 की। तो 4 की टेबल पढ़ेंगे हम कहाँ से, पहले हम देखते हैं डिविडेंड में जो हमारा पहला नंबर है वो क्या है, वो हमारे डिवाइजर के बराबर है, या तो बड़ा होता या बराबर होता तो हम कंटिन्यू करते, लेकिन छोटा होता उसमें क्या करेंगे वो हम अभी आगे देखते हैं। तो ये बराबर है तो हम टेबल पढ़ सकते हैं। तो 4 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 4 1 4, तो यहाँ पर 4 लिखा और यहाँ पर भी 4 लिख दिया क्योंकि 4 1 4 होते हैं। तो जितने टाइम्स जाता है वो यहाँ पीछे लिखते हैं और जो आंसर आता है वो नंबर के नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर माइनस का साइन। अब 4 में से 4 गए तो सब्ट्रैक्ट किए तो 0, और जो ये 8 बचा है इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर उतार देते हैं, केवल सिंगल नंबर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास एक ही नंबर है तो हमने एक ही नंबर ले लिया, लेकिन दो नंबर होते तब भी हम एक ही नंबर को लेते। अब हमको पढ़नी है 4 की टेबल अंटिल हमें 8 नहीं मिल जाता। तो 4 1 4 और 4 2 8, मतलब 4 को अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 8 आएगा। तो ये नंबर यहाँ पर लिखा और जो 8 आंसर आया उसको हमने लिखा नीचे और यहाँ पर साइन लगा दिया माइनस का। अब 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 48 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट कितना आएगा, तो क्वोशेंट हमारा आएगा 12। 4 इज द डिवाइजर, 48 इज द डिविडेंड, 12 इज द क्वोशेंट एंड 0, तो रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा। और देखते हैं 6 को डिवाइड, 6 से डिवाइड करना है 66 को। 6 हमारा डिवाइजर है और 66 हमारा डिविडेंड है। तो स्टार्ट करते हैं, तो जो पहला नंबर है वो हमारा डिवाइजर के बराबर है, डिविडेंड का जो पहला नंबर है वो हमारा डिवाइजर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम को टेबल पढ़नी है। अब 6 1 6, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिख दिया 6 और साइन लगा दिया। अब 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0, और जो ये दूसरा 6 है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब दोबारा से 6 की टेबल पढ़ेंगे जब तक हमको 6 नहीं मिल जाता। तो 6 1 6 अगेन, तो जितने टाइम्स गया वो यहाँ पीछे लिखा और जो आंसर आया वो हमने यहाँ नीचे लिख दिया, फिर माइनस का साइन। 6 में से 6 गए 0, तो अगर 66 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, 11। क्रॉस चेक करना है तो 11 को, मतलब क्वोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें डिविडेंड मिलेगा। तो 11 6 कितने होते हैं, 66, विच मीन्स कि ये हमारा आंसर सही है। चलिए अगला सम है हमें 148, क्या नंबर है, 148 को डिवाइड करना है 2 से। तो डिवाइजर हमारा 2 है और डिविडेंड हमारा 148 है। तो देखते हैं डिविडेंड का पहला नंबर डिवाइजर से छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो 1 जो है वो 2 से छोटा होता है, तो ये टेबल में तो नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नंबर और लेंगे। अब हमको 14 को लेना है, यानी कि 14 को डिवाइड करना है 2 से। तो 2 की टेबल में 14 आता है, यस आता है। कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स आता है।
तो 2 7 होते हैं 14, तो जितने टाइम्स आया वो तो हमने पीछे क्वेश्चन की जगह पर लिख दिया, और 14 आया तो 14 को नंबर के नीचे लिख दिया ऐसे, टेंस के नीचे टेंस, वंस के नीचे वंस, तो यहाँ पर लगा दिया माइनस का साइन। अब 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 0 ही आएगा। अब रह गया 8, तो 8 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे जब तक आंसर में 8 नहीं आ जाता, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 और 2 4 8, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4, तो 2 4 होते हैं हमारे 8, यहाँ पर 8 लिखकर माइनस का साइन। 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया, 0, विच मीन्स 2 इज द डिवाइजर, 148 इज द डिविडेंड, 74 इज द क्वोशेंट, एंड रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये हो गया हमारा सम सॉल्व, हमारा आंसर आ गया 74, करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 3 से हमको डिवाइड करना है 126 को। क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है 126 को, तो 3 की टेबल पढ़नी है। डिविडेंड में देखते हैं जो पहला नंबर है वो डिवाइजर से छोटा है, बड़ा है या फिर बराबर है, तो 1 जो है वो 3 से कैसा है, छोटा है, विच मीन्स कि टेबल हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम 2 नंबर्स लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया 12, तो 3 से बड़ा है 12, तो हम टेबल पढ़ सकते हैं। तो 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है बताइए, 12 आता है 4 टाइम्स, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 और इसके नीचे लिख दिया 12, क्योंकि 3 4 होते हैं 12, वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस, यहाँ पर लगा दिया साइन। अब 2 में से 2 गए सब्ट्रैक्ट किया तो 0, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो अगेन 0, करेक्ट। अब यहाँ पर हम 6 उतार लेते हैं ऐसे। अब हमको टेबल पढ़नी है 3 की अंटिल वी गेट 6, तो 3 1 3 और 3 2 6, तो 2 टाइम्स गया और यहाँ पर लिख लिया 6, और फिर से माइनस का साइन। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, तो 126 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 42। तो डिवाइजर इज 3, डिविडेंड इज 126, क्वोशेंट इज 42, रिमाइंडर हमारा कुछ बचा नहीं। 2 सम्स और देखते हैं इसी टाइप के। 3 से हमको डिवाइड करना है 156, डिविडेंड क्या है हमारा 156 और डिवाइजर है हमारा 3, तो 3 की टेबल पढ़नी है। अब डिविडेंड में से देखते हैं पहला नंबर जो है वो डिवाइजर से छोटा है कि बड़ा, तो 1 जो है वो हमारा डिवाइजर से छोटा है, तो मतलब हम टेबल को नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम 2 डिजिट्स लेंगे यानी कि 15। अब 3 की टेबल में हमें पता है 15 तो आता ही है, कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है, तो यहाँ पर 5 लिखा, और 3 5 कितने होते हैं 15। नंबर को उतारते समय ध्यान रखिएगा कि वंस के नीचे वंस लिखेंगे आप और टेंस के नीचे टेंस लिखेंगे, तो 3 5 होते हैं 15। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 5 गए 0, और 1 में से 1 गए तो अगेन 0, और ये रह गया हमारा 6, तो 6 को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे ऐसे। अब 3 की टेबल पढ़ेंगे अंटिल वी गेट 6, तो 3 1 3 और 3 2 6, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, क्यों, क्योंकि 3 2 6, टाइम्स वाला जो नंबर होता है जितने टाइम्स जाता है वो यहाँ लिखते हैं और आंसर को नीचे, यहाँ पर माइनस का साइन, और 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, तो ये हो गया हमारा सम सॉल्व। डिवाइजर 3, डिविडेंड 156, क्वोशेंट 52। लास्ट सम और देख लेते हैं, 4 से डिवाइड करना है 128 को। हमें क्या करना है, हमको 4 से डिवाइड करना है 128 को, तो चलिए अब 1 पहले डिविडेंड का फर्स्ट नंबर देखें, 4 से छोटा है तो 2 नंबर्स लेंगे यानी कि 12, तो 12 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 4 3 कितने होते हैं 12, तो यहाँ पर लिख दिया 12 और माइनस का साइन लगा दिया, तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो अगेन 0, और 8 को हम एज इट इज उतार देते हैं ऐसे। अब हम 4 की टेबल पढ़ेंगे अंटिल वी गेट 6, जब तक हमको 8 नहीं मिल जाता हम 4 की टेबल पढ़ते रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 4 1 4, 4 2 8, विच मीन्स यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर आएगा 8, माइनस का साइन, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा हमारे पास, 0, तो विच मीन्स
अगर 128 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 32. 4 इज द डिवाइजर, 128 इज द डिविडेंड, 32 इज द क्वोशेंट. तो आपको इस एक्सरसाइज के कौन सी 6B के सारे सेकंड क्वेश्चन के सारे सम्स अपनी नोटबुक पर करने हैं. इसी प्रकार से सेक्शन बनाइएगा और उसको अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीनली करिएगा. गुड बाय.